स्वागत है दोस्तों वर्मिंट अपडेट्स में। बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आने वाले हैं, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एग्जिट पोल्स क्या बताती हैं, इस बार बिहार में किसकी सरकार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की 243 सीटों पर चुनाव शनिवार को संपन्न हो गए थे। वहीं रिजल्ट आने से पहले कई न्यूज चैनल्स और रिसर्च एजेंसी अपने अपने एग्जिट पोल्स लेकर आई हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देते नजर नहीं आ रही। एग्जिट पोल्स के आंकड़े कड़े संघर्ष की ओर इशारा कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज वोटर के अनुसार एनडीए को 104 से 128 सीटें और महागठबंधन को 108 से 131 सीटें आ सकती हैं। इस एग्जिट पोल के अनुसार एलजीपी को 1 से 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं टाइम्स नाउ के अनुसार एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इस एग्जिट पोल में महागठबंधन को 120 सीटें और एलजीपी को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं रिपब्लिक जन की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 91 से 117 और महागठबंधन को 118 से 138 और एलजीपी को 5 से 8 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। हालांकि आज तक एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन आसानी से बहुमत हासिल कर सकता है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को खाते में सिर्फ 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है। टुडे चाणक के मुताबिक महागठबंधन को 180 सीट मिलने का अनुमान है और जेडीयू को सिर्फ 55। पोल में 11 सीटों पर मार्जिन रखा गया है, यानी कि दोनों की 11 सीटें कम से कम ज्यादा हो सकती हैं। वहीं कई एग्जिट पोल्स ये भी बता रहे कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनने जा रही है और एनडीए सरकार की सफाया होने जा रही है। आप कमेंट में राय दे सकते हैं कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।